press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं राजेश तन्वर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, हर खबर आप तक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समाज की जो कि अपने हाथों की प्रतिभा में विश्वास रखता है और अपने हाथों से पंच तत्वों को मिलाकर एक सुंदर सी आकृति को बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रजापति समाज की। कहने को तो ये समाज पिछड़ा कहलाता है, लेकिन इसके हाथों के बने मिट्टी के बर्तन समाज के हर वर्ग का व्यक्ति इस्तेमाल करता है। जब भी देश में भीषण गर्मी पड़ती है तो इनके मिट्टी के बर्तनों की डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन इन दिनों जहां विश्व के साथ भारत देश भी एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है और इसके चलते देश में लॉकडाउन बढ़ गया है, वहीं इसके साथ साथ इस समाज की भी परेशानी बढ़ गई है। लॉकडाउन के चलते इनके मिट्टी के बर्तनों में धूल जम गई है, ना तो इनको कोई खरीदार मिल रहा है और ना ही इन्हें कोई सरकारी मदद मिल रही है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। गर्मी तो है लेकिन लॉकडाउन की वजह से ग्राहक आ नहीं पा रहा है यहाँ पे। लोगों को जो रोजी रोजगार था वो सब ख़त्म हो चुका है यहाँ से, और देख रहे हैं आप यहाँ से वहाँ तक कोई कस्टमर नहीं है, दुकान सारे खाली पड़ी हुई है, तो बहुत लॉस है। पहले जो गर्मी जो पड़ती थी तो उस टाइम अच्छा खासा लोगों को सेल हो जाता था, लेकिन इस बार तो क्या हुआ है कि लोग दो घड़े या तीन घड़े बेच लिए, वही गनीमत है। इस बार तो बिल्कुल नहीं बिक रहा है इन लोगों को माल। सरकार की तरफ से कुछ राहत मिली? अभी तक तो यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से राहत नहीं मिली है। चला है जब से कोई बिक्री नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई हमें को गवर्नमेंट मदद कर रही है और ना कोई ग्राहक आ रहा, ना कुछ, ना हमारे बच्चे कोई नौकरी पैसा वाला कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है। वहीं हमारे संवाददाता ने बात करी इस समाज से जुड़े हुए एक समाज सेवी से, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये वैश्विक महामारी जो है इसे पूरा विश्व इस वक्त क्षतिग्रस्त है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। परंतु भारत के अंदर एक विशेष समुदाय है, प्रजापति समाज, कुम्हार समाज, जिसकी जीविका उसके हैंड टू माउथ पर है। वो जो चीज़ें बनाता है वो बेचता है, उससे उसका पूरे दिनचर्या चलती है, उसका घर चलता है, उसका परिवार चलता है। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट है, ये एक सीज़न का समय है। इस सीज़न के अंदर इस पूरी मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज की तारीख में अगर आप देखें पूरी मार्केट सुनसान पड़ी है। लॉकडाउन का अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक असर हुआ है तो वो कुम्हार समाज के ऊपर हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दिल्ली सरकार से, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर, यूपी सरकार के अंदर माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो शुद्ध बुद्ध लेते हैं इस समाज की कि कहां से मिट्टी मिले और कहां से ये समाज मिट्टी के बर्तन बनाए और किस तरीके से उनको फेंका जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये मांग है कि भी केजरीवाल सरकार से कि वो किसी तरीके से कहना मैं दिल्ली के अंदर भी माटी कला बोर्ड बनाए और कहना मैं हमारे इस समाज, इस कुम्हार समाज की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करें। वाकई में जहां एक तरफ दिल्ली में अलग अलग समाज को लेकर सरकार की तरफ से अलग अलग बोर्ड और अलग अलग संस्थाएं बनाई गई है, वहीं इस समाज को इन संस्थाओं से, इन बोर्ड से अलग क्यों रखा गया, यह विचार करने वाली बात है। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम दिल्ली से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।